सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमने हमने अपनी नई रसोई में अपने नए चूल्हे में आग जला ली है और आज धनतेरस है ना। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इतना शुभ दिन है ना, तो आज इतनी मेहनत की है, मैंने सारा दिन लगाया है आज, तो तब जाके यहाँ पे अपनी पूरी रसोई को साफ सुथरा किया है और यहाँ पे आज चूल्हे में आग जला ली है। और अभी तो है शाम का टाइम, तो अभी तो शाम के 6 बज गए हैं, तो आज ना पूरा दिन भर साफ सफाई में ही लगे रहे हम। तो तब जाके यहाँ पे अपने चूल्हे को सजाया है बढ़िया से और तभी इसमें आग जलाई है अभी। और अभी मैं इसमें हलवा बनाऊंगी सबसे पहले, तो क्योंकि जब नई रसोई में यार नया चूल्हा बनाते हैं तो उसमें जो पकवान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले मीठा पकवान बनाना चाहिए, मतलब हलवा जरूरी होता है सबसे पहले। तो अभी आग तो मैंने यहाँ पे जला लिया है, मैंने बोला कि चलो आग जली रहेगी तो यहाँ पे चूल्हे में पानी भी गर्म होता रहेगा क्योंकि चूल्हा हमारा ये पानी वाला है ना। तो तब मैंने यहाँ पे आग जलाई है, अभी तो बनाऊंगी बाद में हलवा वगैरह। तो फिर और आज सारा दिन और वीडियो भी बनाई है और हमारे यहाँ पे आज बारिश भी लगी थी दिन में, तो मुश्किल भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा काम भी था करने को। और सोई हमारी अभी कम्प्लीट तो पूरी हुई नहीं है, तो चूल्हा तो कम्प्लीट हो गया, रंग पेंट का भी हो गया है कम्प्लीट, खिड़की भी लग गई है, दरवाजा भी लग गया है कमरे में, पर खिड़की में अभी शीशे नहीं लगे हैं हमारे। तो खिड़की को शीशे लाने के लिए वैसे हरदीपात गया तो था बाजार ना, पर आज मतलब वहाँ पे जो बाजार में दुकान थी ना शीशे की, वो बंद थी, तो फिर आज मौसम भी खराब था। फिर मैंने हरदीप को बोला कि चल तू आ जा वापिस ही, क्योंकि बारिश भी लगने वाली थी उस टाइम, तो हरदीप आ गया फिर घर को। और जितने को हरदीप घर में पहुंचा तो उतने को बारिश भी लग गई थी, मतलब 12 बजे लग गई है आज दिन में बारिश, तो सारा दिन में बारिश लग रही है, अभी भी बार बारिश ही लगी है। तो फिर उस वजह से आज मैं वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ सारा दिन भर, तो अभी थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश होकर के तैयार होकर के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं रसोई में आज वीडियो बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब चूल्हे में भी पहली बार यहाँ पे आग जलाई नए चूल्हे में। वैसे तो हमने यहाँ पे आग जला ली है पहले नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में मैंने यहाँ पे आग जला करके खाना बना करके हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, लेकिन यहाँ पे जो नया चूल्हा हमने फिट किया है ना, तो इसमें भी अभी मैंने आग लगाई थी, तो इसको यहाँ पे मतलब अच्छे से कंप्लीट कर दिया। पता नहीं कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे तैयारी करते करते, 3-4 बार तो मुझे चूल्हे की लिपाई करनी पड़ी। आज तो मैंने 2-3 बार दिन में इसकी लिपाई की बढ़िया से, ताकि मैंने बोला कि इसमें अच्छे से चमक आ जाए। वैसे वो रसोई ही क्या जिसमें कि चूल्हा सुंदर ना लगे, औरत और घर जो है ना, तो इनको जितना सजाएंगे उतना ही सुंदर लगते हैं। तो औरत की सुंदरता होती है उसका श्रृंगार, और घर की सुंदरता होती है रसोई घर से मतलब चूल्हे से। तो कितना सुंदर लग रहा है अभी हमारा चूल्हा, ये देखिए अभी आग भी जली हुई है इसमें पीछे को। और बहुत ही इच्छा थी मेरी कई सालों से कि मैं अपनी रसोई घर में अच्छा सा चूल्हा बनाऊंगी और उसको अच्छे से सजाऊंगी, तो आज थोड़ा थोड़ा सा सजाया मैंने ये देखिए इसको। ये देखिए किस तरह से लग रहा है आप लोगों को हमारा ये चूल्हा, मुझे जरूर बताना आप लोग भी कमेंट करके। और कल भी मैंने ना इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई और काम भी बहुत था, तो फिर शाम को हम वीडियो जब अपलोड करने लगे ना तो लेट हो गए, मेरे क्या थे 10 बज गए थे तब की थी वीडियो अपलोड, पर फिर क्या हुआ कि वो वीडियो हमने देखी ही नहीं कैसी बनी थी, मतलब अपलोड कर लिया यूट्यूब पे। फिर शाम को कमेंट भी आए थे मुझे 1-2 बच्चों के, उन्होंने बोला था कि आंटी जी आज ना वीडियो में आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, मतलब आवाज़ की प्रॉब्लम थी कुछ, तो मैंने ध्यान ही दिया। एक तो सारा दिन वर्क थके थे ना, शाम को नींद आ रही थी, मतलब कमेंट तो पढ़ा लेकिन वीडियो को देखा ही नहीं कि क्या कमी है, कहाँ पे कमी है, कुछ नहीं देखा ऐसे। फिर मैंने क्या किया कि जो मतलब वीडियो बनाई थी ना वो सारी क्लिप भी डिलीट कर दी थी, और जिस ऐप से वीडियो मैंने एडिट की थी ना वहाँ पे भी मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी, तो सिर्फ वो जो वीडियो अपलोड की हुई थी मतलब यूट्यूब पे ही वो ही थी। तो सुबह लगी मैं भी देखने, फिर वो भी काफ़ी देर बाद लगी मैं देखने कि कमेंट फिर से आई थी एक बेटी की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आंटी जी वीडियो में याद आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो सब मैंने बोला कि अच्छा मैं भी देख लेती हूँ, तो तब लगी मैं अपनी वीडियो को देखने, तो तब देखा मैंने भी कि सारी वीडियो का सत्यानाश हो गया था उसका। तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में आवाज़ ठीक थी, बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे ख्याल से जिस ऐप से आप वीडियो एडिट करते हैं ना वो ऐप कई बार हैंग हो जाता है, तो ऐसे हुआ होगा शायद ना। तो जैसे वीडियो हमने एडिट की तो सेव भी कर ली, तो उस टाइम शायद वो ऐप हैंग हो गया होगा, तो उस वजह से वो गड़बड़ हुई थी। पर बहुत ही बुरा लगा वो देवीर देख करके उस वीडियो को, और मैं बहुत खुश भी हूँ आज सच में कि यहाँ पे मैं आज नई रसोई में नए चूल्हे में आग जला करके यहाँ पे बैठ रही हूँ, तो यहाँ पे आग भी सेकूँगी और आप लोगों से बातें भी करूँगी। और हरदीप और उसके पापा तो नीचे हैं दोनों कमरे में अपने अपने, तो अभी तो हम यहाँ पे आए थे रसोई में, कमरा हमने अभी धोया, रसोई का जो कमरा है ना साफ किया है इसको, मतलब अभी मिस्त्री लगे हैं हमारे अभी भी, तो पेंटर तो अभी हमारे आए नहीं हैं 2 दिनों से, और लकड़ी वाले भी कल से आए हुए हैं हमारे, तो अभी लकड़ी का काम भी कंप्लीट हुआ नहीं है और पेंट का भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो काम सभी अधूरे रह गए हैं। पर ये है कि जो लगो गया मेरा कंप्लीट ना, तो इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। और अभी इसमें मैं खाना बनाना भी शुरू कर दूँगी,
वैसे हमने सोचा था कि हम दिवाली को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, वैसे कंप्लीट हो ही गया है ये, इसमें ज्यादा कमी कुछ नहीं रही है, सिर्फ ये ही है कि यहाँ पे खिड़की में शीशे नहीं लगे हैं, ताकि वहाँ पे पीछे को हमारी ये जो सेल्फ है ना, तो इसके नीचे भी अभी दरवाजे नहीं लगे हैं, मतलब जो पल्ले लगवाने हैं। तो सोचा था हमने भी कि दिवाली को कंप्लीट करेंगे, पर रह गया अभी ये काम हमारा, एक तो मिस्त्री भी नहीं आए थोड़ा टाइम पे ना, उस वजह से भी रह गया है, और फिर अभी शीशे वगैरह भी आए थे हमारे, तो तभी फिर खिड़की का काम तो रह गया, मतलब अधूरा। वैसे पल्ले लग गए हैं, बढ़िया लग रहा है अभी हमारा रसोई का कमरा। ये देखिए वहाँ पे पीछे वो हमारी खिड़की और दरवाज़ा, वो देखिए एकदम मस्त लग रहा है अभी हमारा कमरा, इतना सुंदर लग रहा है अभी हमारा रसोई का ये कमरा ना। वैसे ज़िंदगी में अभी बुढ़ापे के टाइम में रसोई बनाई है हमने, पर एकदम परफेक्ट और सुंदर बनाई है सच में, मुझे खुद कोई अच्छी लग रही है अपनी रसोई। बाकी फिर आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आप लोगों को हमारी रसोई कैसी लग रही है, मुझे तो इतनी सुंदर लग रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ कि कितनी अच्छी लग रही है मुझे अपनी रसोई घर। और कई सालों से इंतज़ार था मुझे यहाँ पे अपनी इस नई रसोई का, तो अभी हमारा ना इंतज़ार ख़त्म हो गया, मतलब तो मैं आप लोगों से कहूँ कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। तो सच में मुझे अपनी इस नई रसोई का और इस नए चूल्हे का ना काफ़ी सालों से इंतज़ार था। अभी मेरी भी 48 साल उम्र हो गई है, तो 48 साल की उम्र में आज मैं यहाँ पे अपनी अच्छी सी रसोई में आकर के बैठी हूँ, और यहाँ पे मैंने जलाई है आगे इतनी उम्र में। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ खाने को बनाऊँगी भी ना, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह बढ़िया से है, यहाँ पे अभी कोई झंझट नहीं है, मतलब मैं कभी भी वीडियो बना सकती हूँ यहाँ पे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मतलब देखने को भी रसोई बढ़िया हो गई है अभी। तो अभी जब भी मेरा मन चाहेगा तभी मैं यहाँ पे वीडियो बना करके आप लोगों को दिखा दूंगी। तो बस यही पे करती हूँ मैं आज की अपनी वीडियो का एंड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो तो क्या बनी है आज, बस ऐसी बातें की है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।